आप गलत स्थान पे गलत व्यक्ति के साथ गलत बात कर रहे हैं। आपको भी ज्ञात नहीं है कि दाना, अब तुम मौन हो जाओ। ठीक है चलो चलो बैठ जाते। अरे राधा राधा राधा, हमें भी अपने साथ नृत्य करने दो ना। नहीं, पहले नृत्य करके दिखाना होगा, उसके पश्चात ही तुम्हारे चुनाव का निर्णय लिया जाएगा। सोच लो, क्योंकि संभवतः इसके पश्चात तुम्हारे पास नृत्य के लिए लोग कम रहेंगे। आरंभ कीजिए दाऊ। ये कैसा नृत्य है तुम्हारा? पहलवान नृत्य, और ये है ऊर्ध्व हस्त चाक। अयन, क्या हुआ? और तुम लोग, जब तक मेरा नृत्य चलेगा तब तक संगीत रुकना नहीं चाहिए। बजाओ बजाओ। बस बस, देख लिया तुम्हारा ये नृत्य, अब बंद करो इसे, बंद करो। अरे अभी कहाँ, ये तो लास्ट से था एंड। असली तांडव तो अभी शेष है। मेरी पुष्पक मुद्रा, अरे कोई मेरी सहायता करो, मैं फंस गया यहां पर। अरे सहायता करो मेरी मूर्खो। अब ये देखो ताल का तोड़ा। यदि तांडव किसी प्रकार चलता रहा तो बरसाने में प्रलय आ जाएगी, नृत्य के लिए कोई नहीं बचेगा, इंद्रियों ने रोकेगा कौन? बताओ कैसे रोको इन्हें। हाँ, अब केवल एक ही मार्ग है, कृष्ण अपने दाव को रोको। मेरे दाव एक बार शुरू हो जाते ना फिर रुकते नहीं है। नहीं रहे हो, नृत्य नहीं कर रहे हैं, पीट रहे हैं सबको। समझना तो आयन और उसके मित्रों को चाहिए था ना, व्यक्ति की कर काटी देखकर उससे झगड़ा मोल लेना चाहिए था ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु ऐसे तो बस अपनी हड्डी पसली तो उड़ा लेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पहले कहा था। अब अधिक बनो मत, तुम भी जानते हो कि केवल तुम ही उन्हें रोक सकते हो। अच्छा ऐसा है। ठीक है, मैं दाऊ को रोक लूंगा, किंतु उसकी एक शर्त है। स्वीकार है। इतनी भी क्या शीघ्रता है, पहले शर्त तो पूछ लो, फिर तुम कहोगे मैंने तुम्हें फंसाया। अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी।
मुझसे मित्रता करनी होगी। अवसर का लाभ उठाना तो कोई तुमसे सीखे। अवसर का लाभ उठाना होता तो शर्त नहीं बताता। भलाई का तो कोई मोल ही नहीं रहा। जाओ मुझे अपना माखन खाने दो। जाओ 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 अपने मित्र को पिटते हुए देखो जा। अभी तक तो कुछ लोगों को घर उठा के ले जाना होगा तुम्हें। वैसे मुझसे मित्रता करने में समस्या क्या है? क्योंकि तुम और तुम्हारी बातें दोनों मुझे समझ में नहीं आती। फिर तो मित्रता और भी आवश्यक हो जाती है। मित्र बने बिना ना तुम मुझे समझ पाओगी ना मेरी बातों को। पर तुम्हें मेरा मित्र क्यों बनना है? तो सुनो 100 बात की 1 बात। जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं वो उसे मैंने वचन दिया था कि मैं सुदेवी के विवाह में उसके साथ नृत्य करूंगा। अब मुझे तो नृत्य आता नहीं है और वो बहुत ही प्रवीण नृत्यांगना है। पर अब वचन तो वचन है ना, मुझे उसके साथ तो नृत्य करना होगा है ना। इसलिए तुमसे मित्रता करनी थी ताकि तुम मुझे नृत्य सिखा दो। अब सिखा दो ना, मैं जीवन भर तुम्हारे उपकार नहीं भूलूंगा। यही अवसर है। यदि कृष्ण से सीधे सीधे उस लड़की का नाम पूछा तो वो कभी नहीं बताएगा, किंतु मित्रता का छोटा नाटक करने से अयन और इसके साथी भी बच जाएंगे और इस लड़की तक पहुंचने में सरलता भी होगी, ताकि उसका जीवन इस कृष्ण के मायाजाल से बचा सकूं। हे महादेव, खड़े खड़े इतनी बड़ी योजना बना ली।